अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको मटन के दिल बनाना सिखाऊंगी। 3 दिल मैंने मंगवाए थे, उनको इस तरह पीसीज में कटवा लिया है। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 2 छोटे प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली है, इनको पहले हम ब्राउन करेंगे। और आप सुनाए, आप लोग सब ठीक ठाक हैं? प्याज हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन अदरक का। थोड़ा इसका कच्चापन दूर करेंगे, फिर बाकी मसाले डाल के तो इसका बहुत अच्छा सा मसाला तैयार करना है हमने। 3-4 छोटे मैंने टमाटर लिए हैं, इनको छोटा बारीक बारीक काट के ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, सूखे मसाले, कुटी लाल मिर्चें, मिर्च पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, नमक और सूखी मेथी, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका मसाला तैयार करेंगे। थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसमें दिल डाल देंगे। ऑयल निकलना शुरू हो गया, अब मैं इसमें दिल डाल दूंगी। थोड़ा सा इसको मसाले में मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के आधा कप इसको ढक के मैं रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से मसाले के साथ जो है ना पक जाए। बस अब मैंने इसको ढक के रख देना है, फिर बाद में इसको अच्छा सा भुनेंगे, फिर एंड पे मैं गरम मसाला डालूंगी और इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको देखूंगी। अब हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। दिल जो होते हैं ना, इनमें ना अजीब सी स्मेल सी होती है, इसको दूर करना ही काम होता है। इसकी अच्छी सी हमने ना बुनाई करनी है, और 1 चम्मच हम ना इसमें दही भी डालेंगे, ताकि ये स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए। ये कुदरती जो होती है ना, इसमें होती है स्मेल। मैं इसमें अब 1 चम्मच दही डालती हूँ। 1 चम्मच दही डालेंगे हम। इसको अच्छा सा हमने भूनना है, और साथ ही मैं गरम मसाला पिसा हुआ जो है ना, सारे मसाले इसमें मिक्स हैं, ये मैं डाल दूंगी। जैसे ही अच्छा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा इसकी स्मेल के ख़त्म हो गई है, तो इसकी भुनाई जो है ना मुकम्मल हो जाएगी। फिर हम इस पर धनिया डालेंगे, सब्ज़ धनिया। इसको अच्छा सा भूनना है, लेकिन मुझे इसकी ना थोड़ी सी स्मेल लग रही थी। अब मैं इसमें 1 चम्मच सिरका डाल रही हूँ, मुझे इसमें थोड़ी सी स्मेल लग रही थी। अब इसको हमने भूनना है जब तक इसका ऑयल जो है ऊपर ना आ जाए। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, बाकी जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर रखूंगी। थोड़ा धनिया मैंने अंदर डाल दिया है और ये थोड़ा सा जो है मैं ऊपर डाल दूंगी पैन पे। हंडिया हमारी तैयार हो गई है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। खाएं, एंजॉय करें, पराठे के साथ खाएं, सूखी रोटी के साथ खाएं।
अल्लाह हाफिज़।